नमस्ते अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे हम निफ्टी की जो कि अपने लोज पे इस वक्त ट्रेड कर रही है पिछले एक महीने के उसके बाद हम बात करेंगे रुपए की जो कि यूएसडी आईएनआर है वो एकदम कमजोरी के साथ क्लोजिंग देने की कोशिश किया है आज और ये जो क्लोजिंग है ये बुरी है क्लोजिंग आपको मैं समझाऊंगा रुपया अगर हमारा कमज़ोर होता है तो वो ऊपर कैसे जाता है ये भी आपको पता ही होगा और सोने की बात करेंगे वो हाई मार रहा है इवन बॉन्ड्रील बढ़ी थी एक डिप आया था रुपये में आज अगर आपने गोल्ड बीज को देखा होगा तो वो एक परसेंट डाउन ट्रेड कर रहा था और अगर आप फ्यूचर्स बाज़ार में आकर देखते तो जो गोल्ड का प्राइस था यहाँ पर सैंतालीस एक सौ के आसपास का लो बनाया और वहाँ से जो है सैंतालीस पाँच सौ तीस के आसपास इस वक्त इसकी क्लोजिंग हुई है अब सोना जो है एक छोटा सा डिप लिया अब इस डिप में हमको क्या समझ में आना चाहिए मतलब क्या ऐसी चीज हुई जिसके कारण डिप हुई और इस डिप से हम क्या समझ सकते हैं उसको डिकोड करेंगे सबसे ध्यान से सुनिएगा बात को कि अभी मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ ये है दस साल का बॉन्डील्ड यूनाइटेड स्टेट्स का आपको पता है मैं इस पर काफ़ी डिस्कशन भी कर चुका हूँ आई होप आपने वो वीडियो देखी हो आप देखिए कि जब ये वन के आसपास का हाई बनाया उसके बाद एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया और इसी का फ़ायदा कौन कौन उठाया है लगभग लगभग दुनिया भर की बाजारें उसका फ़ायदा उठाई हाइज मारने के लिए अपने यहाँ की दिक्कत ही अलग हो गई नहीं तो हम भी बढ़िया हाइज मार रहे होते खैर आप देखिए दुनिया भर की बाज़ारों ने इसी बीच हाइज मारा और यहाँ पर एक छोटा सा छोटी सी गिरावट भी आई ठीक है और इसी गिरावट को देख करके बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम आपको गोल्ड में देखने को मिला हम वो भी समझाएंगे गोल्ड को आप किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते थे और जो अपनी बाज़ार में गिरावट आई है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे तो एक एक चीज़ पहले तो आपने बॉन्ड से देख ली किस तरीके से इसने सबसे बड़ा फैक्टर आ, मतलब रोल प्ले किया क्या करने में सोने के दाम को छोटा सा डिप देने में आप अगर कैंडल को देखोगे तो हायर लेवल पे ये जो कैंडल बनी है ये अच्छी कैंडल नहीं मानी जाती है लेकिन ये जो कैंडल बनी वो बहुत ही टेम्परेरी टाइप की थी क्योंकि अगली कैंडल जो है वो छोटी सी डिप लेकर के बढ़िया क्लोजिंग आपको दे चुकी है तो गोल्ड का प्राइस स्टेबल है तो जो लोग गोल्ड बीच पर सवाल पूछ रहे थे आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा आपको पता है गोल्ड कितना सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और उसमें भी अगर आप एक महीने के अंदर आप छः परसेंट का रिटर्न कमा जाओ तो इससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं बैंक आपको साल भर आपका पैसा ले करके भी आपको रिटर्न नहीं दे रहे हैं छः परसेंट का केवल इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप वेट करना सीखिए अगर आप इस बाज़ार में हो वेट कीजिए इतनी बेहतरीन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हो और अगर आपको याद हो इस पूरी जोन में मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो भी अवेलेबल कराई थी कि सोना ज़रूर ख़रीद लीजिए और रिस्क से बचाने के लिए भी आपको मैंने सोना और लिक्विड फंड में पैसा लगाने को कहा था लिक्विड फंड अभी थोड़ा बहुत तो आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हो लेकिन गोल्ड की बात मैं देखो दो दो लेवल पर करना चाहूँगा पहला तो अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए थे तो छः परसेंट बहुत 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 बड़ा रिटर्न होता है गोल्ड जैसे इन्वेस्टमेंट क्लास में ये कोई स्टॉक नहीं है याद रखिएगा स्टॉक अगर तीस भाग जाए मैं गोल्ड के छः को उसकी बराबरी ता हूं याद रखिएगा यकीन मानिए मेरा ये ऐसे ही इतना मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंस रखता हूं मतलब स्टॉक्स में अगर मैं एक लाख लगा रहा हूँ तो मैं गोल्ड में आराम से पाँच लाख लगा सकता हूँ इसलिए मैंने ये बात बोली इसलिए मेरे लिए स्टॉक्स में तीस परसेंट कमाना गोल्ड में छः परसेंट कमाने के बराबर है और ये क्यों क्योंकि जो अंडरलाइन एसेट है जो चीज़ आपको मिल रही है वहाँ पर आपको कोई शेयर नहीं मिल रहा है जिसकी वैल्यू ऐसे ही अचानक से डिग्रेड कर जाएगी पूरी दुनिया में आप इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जानते ही हो और किस तरीके से ये काम करता है किस तरीके से इसके पीछे प्राइस का सपोर्ट होता है वो सब आप जानते हो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कितना रिस्क ले करके पैसा कमा रहे हो ये सबसे बड़ी बात होती है ठीक है अब आप जुआ खेलने जाओ और कह दो कि मैंने एक रात में हंड्रेड परसेंट रिटर्न कमा लिया तो हो सकता है कि बाहर वाले लोगों को लगे वाह यार क्या कमाल की कमाल का, का काम किया भाई ने और पता चले कि भाई जुआ खेल के सौ परसेंट रिटर्न कमाया है समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप स्मॉल कैप या मिड कैप खरीदो तो वहाँ पर आप आठ दस परसेंट स्विंग ट्रेड में ढूंढो लार्ज कैप खरीदो तो छः से सात परसेंट वहाँ पर स्विंग ट्रेड में ढूंढो तो क्योंकि आप जो नीचे वाला रिस्क ले रहे हो वो आपको पता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा है और लार्ज कैप में कम है समझ गए तो गोल्ड के प्राइस की स्टेबिलिटी जो आराम से आ गई ये किस बेस पे आई क्या यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हो आराम से बुक कर लीजिए अब तकलीफ़ हम आपकी क्या होगी पता है जो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और उनको इतनी जल्दी इतना ज़्यादा गेन देखने को मिल गया है उनकी टेंशन क्या हो जाएगी कि गोल्ड यहीं क्यों अटका है गोल्ड ऊपर क्यों नहीं जा रहा है पता चला यहाँ नहीं बुक किए गोल्ड थोड़ा सा ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया नीचे आया फिर यहाँ पर बुक कर रहे हैं मतलब प्राइज़ वही है टाइम एक डेढ़ महीने बाद अब ये भी आप में से बहुत से लोग कर सकते हो तो ये मत कीजिएगा अगर आप गोल्ड के इन्वेस्टर हो तो बने रहिए कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको लगता है कोविड की दिक्कत बढ़ने वाली है बॉन्ड डील्स में थोड़ा सा डेंट आ सकता है ठीक है तो गोल्ड के प्राइस को ऊपर जाने से कोई रोकेगा नहीं और लॉन्ग रन में तो गोल्ड ऊपर जाता ही है ये तो आप जानते ही हो और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ हमारे पोर्टफोलियो में जो गोल्ड है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है मैं गोल्ड में यहाँ पर प्रॉफिट अगर बुक करूँगा तो स्विंग ट्रेड अगर मैंने कोई अलग से लिया होगा तो उसमें बुक करने की सलाह दे रहा हूँ याद रखिएगा इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से है और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ किस लिए होता है अपने पोर्टफोलियो को हैजिंग पर्पज से मतलब हैजिंग पर्सपेक्टिव से दिखाने के लिए कि हाँ मेरा पोर्टफोलियो एक एडवर्स कंडीशन में भी आ, मार्केट की वॉलेटिलिटी को झेल सके और एक लेवल होता है इन्वेस्टमेंट का और उस लेवल पे जो भी अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे नीचे प्राइस जा ही नहीं सकता इसलिए मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया वो रूल के अनुसार आता है इसलिए मैंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा गलती जो भी करोगे वो आपकी होगी अच्छाई जो भी करोगे वो आपकी होगी प्रॉफिट बुक करोगे नीचे आ गया तो आपके लिए अच्छा होगा प्रॉफिट नहीं बुक करोगे ऊपर चला गया तो आपके लिए अच्छा होगा और वाइस वर्सा आप जानते ही हो क्या हो सकता है तो गोल्ड की बात यहाँ ख़त्म करते हैं यू एस अब ये चीज़ इंडिया की बाज़ारों के लिए डेंट वाली बात क्यों है देखिए आई स्टॉक्स के लिए ये पॉजिटिव चीज़ है कि डॉलर में उनकी आय आती है ठीक है अब वो अगर मान लेते हैं कि एक डॉलर कमाते हैं तो इंडिया में अगर वो इनकम लेते हैं तो उनको पचहत्तर रुपये मिलेगा ठीक है अभी पचहत्तर रुपये चौदह पैसे अगर वो आ, पहले कमाते तो यहाँ पर आप देख लीजिए तिहत्तर रुपये मिलता और आपको पता है कि वो बड़ी कमाई करते हैं तो दो डॉलर का दो रुपए का अंतर बहुत बड़ा आ जाता था इवन आ जाता है तो ये जो दो रुपए की कमाई है ये आई कंपनियों की बढ़ जाती है इसीलिए उन कंपनियों को फ़ायदा होता है जब भी जब भी क्या होता है डॉलर जो है वो मजबूत होता है अपना रुपया जो है वो कमज़ोर होता है याद रखिएगा ये जब ऊपर जाता है प्राइस तो डॉलर मजबूत होता है हमारा रुपया कमजोर होता है क्योंकि इसका जो प्राइस है एक डॉलर के बदले ये दिखा रहा होता है एक डॉलर के बदले हमारे भारत का प्राइस जो है वो पचहत्तर रुपये हो गया अभी कुछ दिन पहले बहत्तर रुपये अस्सी पैसे था तिहत्तर रुपये था तिहत्तर चालीस था, था। उसी हिसाब से आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी हमको कुछ पॉजिटिव चीज़ नहीं देखने को मिल रही है आईटी कंपनियों को छोड़कर पूरे भारत के लिए पूरे भारत की कंपनियों के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ होती है एक्सपोर्ट करने में हमको कठिनाई होती है जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं उनके मार्जिन पेडेंट आता है तो आप समझ सकते हो और ओवरऑल सिनारियों में ये घटना क्यों घट रही है वो आप जानते हो इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर एक फाइनेंशियल चोट मारी जा रही है पढ़ भी देखो पढ़ना बिल्कुल आम बात है किस तरीके से आपको पता है कि यहाँ से ट्रेड का थोड़ा सा इशू आ जाएगा कोविड के कारण ही उसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं और उससे डायरेक्ट बिजनेसेस पे असर पड़ता है और वही बिज़नेसेस इंडिया को चलाते हैं तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ ये तो हो गई नॉर्मल सी बात यू एस डी आई एन आर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है उसके बाद बाजार की बात करेंगे देखिए बाज़ार अपने सवा मंथ के लोज पे है ठीक है और अगर आप देखोगे ये लेवल पहली बार बाज़ार ने कब टच किया था यहाँ पर आप देख लीजिए 21 की शुरुआत में पाँच छः जनवरी को अब आपके पास एक चीज़ मैं आपको फिर से कह रहा हूँ चेकिंग करिए कि पिछले तीन महीने में आपने ऐसा कोई स्टॉक ख़रीदा जो स्टेबल है बाजार के साथ है ठीक है गिरा हुआ है तो आपका स्टॉक जो है वो आपने गलत टाइम पे ख़रीदा या गलत स्टॉक ख़रीदा और अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा बहुत ध्यान से बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको मैंने आपको सेलेक्ट करके दिया है दिखाया है सिखाया है उसके बावजूद भी आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया बाज़ार फ्लैट है इवन बाज़ार नेगेटिव भी होगी हमने कुछ स्टॉक्स फरवरी को सेलेक्ट किए हैं चौदह फरवरी को जब बाजार ने एकदम लो बना दिया आप देख रहे हो ना यहीं पर बाजार ने टॉप बनाया है बाजार ने पंद्रह तीन सौ का टॉप जहां पर बनाया है उस दिन भी हमने स्टॉक सेलेक्ट किया है और वो भी स्टॉक्स हमारे ऊपर हैं ठीक है यहाँ से भी ऊपर हैं बाजार तो वहाँ से काफ़ी गिरी हुई है वहाँ से भी ऊपर हैं तो स्टॉक सेलेक्शन पर फोकस कर लीजिए आज नहीं तो कल आप पछताओगे इसी चीज़ को लेकर कि आपने स्टॉक सिलेक्शन नहीं सीखा आप करोड़पति बनने वाली वीडियोज़ देखते रहे हर सेगमेंट के करोड़पति बनाने वाले स्टॉक्स आपने देख लिए और करोड़पति बनाने वाले खुद करोड़पति बन जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते जैसे कह न, एक कहा, कहावत है ना मुझे नहीं पता ये मैंने कहाँ सुना था कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आप एक करोड़ हाउ टू बिकम करोड़पति बुक लिख दीजिए वो इतनी बिकेगी इंडिया में कि आप करोड़पति बन जाओगे समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ तो थोड़ा सावधान हो जाओ कहाँ जाते हो कहाँ भटकने जाते हो कहाँ भटकने जाते हो भटकना बंद करो और मुझे तकलीफ इसी चीज़ से है क्या कहें कि जितनी घटिया जितनी इतने अच्छे लोग हैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं कि दिल खुश हो जाए आपको मैं बता रहा हूँ आप बाजार में कभी लॉस करो ही नहीं मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा हूँ इतने अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं लेकिन आप उनको ढूंढ ही नहीं पाओगे क्यों नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि प्रचलित कौन होता है विख्यात कौन होता है जो एकदम चुटपुटिया चुटपुंजिया वाली बात करेगा ये क्या होता है वो क्या होता है ये क्या होता है वो क्या होता है हवा हवाई बात बता देगा टॉप म्यूचुअल फंड टॉप स्टॉक्स टॉप ये टॉप वो और या तो कोई करोड़पति बना रहा हो तकलीफ मुझे इस चीज़ से है तो थोड़ा सा खोजी बनिए खोजी ठीक है हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो और फिर भी आप सीखना सीख नहीं रहे हो तो ये आपकी तकलीफ है किसी और की नहीं बाजार लोज़ पे खड़ी है सपोर्ट पे खड़ी है याद रखिएगा पहली बार इसको ये लेवल कब टच किया था सात जनवरी को अब ये ख़तरनाक सिचुएशन हमारे लिए हो जाएगी क्योंकि हमने वहाँ से एक बार ही केवल उस लेवल को तोड़ा है किस लेवल को चौदह दो सौ पचास को जब हमको बजट सपोर्ट मिल गया था बजट वाला सपोर्ट हमने तेरह छः सौ का लो बनाया था अभी हमारे सामने ये सपोर्ट टूटने के बाद वही है सपोर्ट तेरह सात सौ और तेरह छः सौ ये दो लेवल आएंगे बड़े सपोर्ट के रूप में उसके अलावा हमारे पास कोई टेम्प्रेरी सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है नहीं बात टेक्निकल बेसिस पे हो रही है याद रखिएगा ऑप्शन डेटा ग्लोबल मार्केट्स एफ डीआईआई आई आई किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसी हिसाब से आपको पता है बाजार चलती है तो जो भी होगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो को आई होप आपने ध्यान से देखा हो यहाँ तक आता कौन है चमत्कार अभी मैं दिखाया होता तो सब लोग आगे होते तो चलिए इन्जॉय कीजिए लर्निंग को आगे बढ़िए प्रोसेस में हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की आई होप आप बेसिक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ोगे और ठीक ठाक इन्वेस्टिंग का फैसला लोगे तो ठीक है आ, गोल्ड बीज जिन लोगों ने हमारे कहने पर खरीदा है सूंग ट्रेड कर रहे हो और आ, आपको अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटर्न मिल गया हो तभी तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा अदरवाइज लॉन्ग रन की लॉन्ग रन में आप बिल्कुल हमारी तरह बने रह सकते हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे नीचे रेट नहीं जाएगा उससे नीचे जाएगा हमारे फार्मूला पे फिट बैठेगा फिट बैठेगा तो फिर हम ट्रेड ले लेंगे अदरवाइज हम इग्नोर करेंगे समझ रहे हैं ना मैं लॉन्ग रन में गोल्ड को ऊपर जाते हुए देख सकता हूँ और क्योंकि मुझे वहाँ पर रिस्क कम दिखाई देता है इसलिए मैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो बस यही थी वीडियो हम मिलेंगे फिर से तब तक के लिए नमस्कार